स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस कर्व भी इसको कहते हैं हम, और साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इसको हम कहते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व और साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हम इसको कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, बी और एच दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, कि कितना हमने मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को दिया है और कितना वो मैग्नेटाइज्ड हुआ है, उसका हम कर्व ड्रॉ करते हैं। इसमें कहते हैं कि कंसीडर अ सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेट इट बी अनमैग्नेटाइज्ड। तो हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, फेरोमैग्नेटिक अनमैग्नेटाइज्ड मटीरियल, क्योंकि देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में कुछ ना कुछ तो मैग्नेटाइज रहता ही है, लेकिन हमने उसको क्या माना, अनमैग्नेटाइज स्टेट में मान लिया। कंसीडर स्टेट एंड प्लेस इट इन मैग्नेटाइज्ड फील्ड। क्लियर? तो जैसे हम इसको मैग्नेटाइज्ड फील्ड में रखेंगे, कुछ इस तरीके का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा एच होता है, दैट इज इंक्रीजिंग फील्ड, और यहाँ पे हमारा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ये है, तो एक्स एक्सिस इसके अलॉन्ग हम ग्राफ इसमें प्लॉट करते हैं, एच और आई के अलॉन्ग। ठीक है, इन दोनों में से हम वन एंड द सेम थिंग। ओके, टू स्टार्ट विथ एच इज इक्वल टू जीरो, कि हमने जब स्टार्ट किया तो एच जो था हमारे पास वो क्या था, जीरो पॉइंट पे था, मतलब कि एच हमने स्टार्ट ही किया था, फील्ड हमने देना शुरू किया है, उसको इंक्रीज करना शुरू हुआ है, तो मैग्नेटाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि इस पॉइंट पे हमारे पास B की भी वैल्यू जीरो है और H की भी वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट पे। एट दिस पॉइंट B एंड H बोथ आर जीरो। एज वी इंक्रीज H, जैसे जैसे हम H को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, I और B ऑल्सो इंक्रीजेस, बट ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो एक हल्का सा ही कर्व बनेगा अलॉन्ग दिस, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए। क्लियर? एज वी इंक्रीज एच, एज वी इंक्रीज एच, आई और बी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वी गेट अ कर्व लाइक ओ ए। नाउ एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, वी हैव रीच्ड स्टेट ऑफ सेचुरेशन। ए पे क्या होगा हमारे पास, स्टेट ऑफ सेचुरेशन। देखिए सेचुरेशन का मतलब क्या होगा, कि आप फर्दर एच को कितना भी इंक्रीज कर दीजिएगा, आई और बी इंक्रीज नहीं होंगे। दैट मींस कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, कि सपोज करो मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, आपने एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए पढ़ते हुए, उसके बाद एक लेवल आ जाएगा आपके माइंड का, कि उसके बाद आपको समझ आना बंद हो जाएगा, मैं फिर चाहे कितना अच्छे से पढ़ा दूँ, कैसे भी एक्सप्लेन कर दूँ, दैट इज स्टेट ऑफ सेचुरेशन। तो इस केस में स्टेट ऑफ सेचुरेशन का मतलब क्या है, कि आप फर्दर एच को कितना भी इंक्रीज कर दो, लेकिन आई और बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट जो मटीरियल है आपके पास, जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है, वो फुल्ली मैग्नेटाइज्ड हो चुका है उस टाइम पे। दैट मटीरियल इज फुल्ली मैग्नेटाइज्ड एट दैट मटीरियल एट दैट टाइम, कि उसके बाद कितना ही फील्ड उसमें दे दो, उसके बाद वो चार्ज नहीं होगा। क्लियर? अब अगर हम जैसे जैसे एच को डिक्रीज करना शुरू करेंगे, फील्ड को हम हटाना शुरू कर देंगे, लेकिन जो डीमैग्नेटाइजेशन है सैंपल की, वो इस स्टेप में वापस नहीं आएगी। और ये किसकी वजह से है, ये है आपके पास डोमेन थ्योरी की वजह से। डोमेन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी क्या रहते हैं, मैग्नेटाइज रहते हैं। क्लियर? दैट इज द रीजन कि वो ए ओ पे वापस नहीं आएंगे, वो डिक्रीज होना शुरू करेंगे इस तरीके से, यहां पर आएगा वो। क्लियर?
अब अगर हमने एच को डिक्रीज करना शुरू किया तो जो डीमैग्नेटाइजेशन थी सैंपल की वो डज नॉट टेक प्लेस अलोंग द सेम कर्व ए ओ। चलिए एक बार इसको मैं दोबारा से आपको इस पे हम ड्रॉ करते हैं इसको कर्व को। इस तरीके से हमने शुरू किया, इस तरफ H है, इस तरफ I और B है। अब हम कर्व को शुरू ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, O पॉइंट से H को इंक्रीज करना शुरू किया, H के कॉरस्पॉन्डिंग I और B भी इंक्रीज हुए। A पॉइंट पे जाके आपके पास क्या आ गई, स्टेट ऑफ सेचुरेशन आ गई। A पॉइंट पे क्या है, वी हैव अ स्टेट ऑफ सेचुरेशन। दैट मीन्स कि H को आप फर्दर कितना भी इंक्रीज कर लीजिएगा, B और I की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद जैसे हम H को डिक्रीज करना शुरू होंगे तो ये ए ओ कर्व के अलॉन्ग वो डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डी मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड H। तो जो डी मैग्नेटाइजेशन है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी B पॉइंट पे। क्लियर। अब B पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक सैंपल था B पॉइंट पे, वहाँ पर H की वैल्यू ऑलरेडी जीरो आ चुकी है। देखिए B पॉइंट पे क्या है हमारे पास, H की वैल्यू क्या है, जीरो है यहाँ पे, बट I और B की सम कुछ वैल्यू है यहाँ पे। क्लियर। एट पॉइंट B H हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस टू जीरो, बट I और B इज नॉट जीरो। इंस्टेड उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ओ बी, ये जो डिस्टेंस है ये वाला ओ से बी तक, इतनी वैल्यू है आई की एट पॉइंट बी पे। इस पॉइंट को, आई की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। आई और बी एट पॉइंट बी, दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। क्लियर। तो रिटेंटिविटी होती क्या है, कि जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बच जाती है हमारे पास जब हम सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज्ड करते हैं, दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी, द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल का मतलब है जो बच जाता है मैग्नेटिज्म, कब, लेफ्ट बिहाइंड इन द मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस्ड टू जीरो, कि जब हमने एच की वैल्यू जीरो की, ठीक है, उस टाइम पे बी की जो वैल्यू आई थी, जो फील्ड इसके अंदर बच गई, दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि एच को अब हमने इस डायरेक्शन में शुरू कर दिया बढ़ाना, मतलब इंक्रीज करना शुरू कर दिया, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर। देन इट प्रोड्यूसेस टू पॉइंट सी, तो एच की जो वैल्यू है वो सी पॉइंट पर आएगी, और सी पॉइंट पे आने के बाद अब देखना, अभी सी पॉइंट पे क्या है, आई और बी की वैल्यू जीरो है, लेकिन एच की वैल्यू, आई और बी की वैल्यू भी जीरो नहीं है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई और बी की वैल्यू आएगी, और एच की वैल्यू भी क्या है, जीरो नहीं है। क्लियर। तो अब जो सी पॉइंट जो आया है, सी इज नॉन एज कोरेसिविटी। सी पे क्या आएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन टू मेक आई जीरो इज कॉल्ड कोरेसिविटी और कोरेसिव फोर्स ऑफ द मटीरियल। अब अगर हम फर्दर एच को फिर से इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर हम फिर से अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद ये एच की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाती है, और यहाँ पे पॉइंट आता है हमारे पास डी। अब डी पे फिर से मैग्नेटाइज, स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन सेचुरेशन है, स्टेट ऑफ सेचुरेशन है डी पे, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्टेट ऑफ सेचुरेशन है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डी, दैट इज स्टेट ऑफ सेचुरेशन एट पॉइंट डी। अब हम यहां से इसको फिर से इंक्रीज करना शुरू करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम इसको शुरू करेंगे, तो अगेन ये हमारे पास कुछ ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ई। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू जीरो है, लेकिन बी और आई की वैल्यू जीरो नहीं है। फर्दर फिर हम इसको इंक्रीज करना शुरू करेंगे, और ये ए पॉइंट पे हमारे पास पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये हिस्टेरेसिस कर्व हमारे पास बनता है, इसको हमने नाम दे दिया एफ। तो फिर से ए पे चला जाएगा, ए से फिर बी पे, सी। दैट मीन्स कि जो जीरो से ए वाला जो पोर्शन है आपके पास, वो सिर्फ स्टार्टिंग में आएगा, जब मटेरियल आपके पास
बिल्कुल इनिशियली जब मटेरियल आपके पास डीमैग्नेटाइज्ड है, उसके बाद ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके पास नहीं आएगी कि जब जो मटेरियल है वो आपके पास डीमैग्नेटाइज्ड हो. क्यों? क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी, रीजन ऑफ डोमेन थ्योरी की वजह से, कि डीमैग्नेटाइज्ड मटेरियल कभी भी नहीं होता. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमेशा ना हमेशा मैग्नेटाइजेशन रहती है. क्लियर? तो यहाँ से ये जो बनेगा आपके पास, दैट इज ए बी सी डी ई एफ ए, ये जो रीजन बना है ए बी सी डी ई एफ ए, दैट साइकिल इज नोन एज साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. क्लियर? इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, अब इसमें हम क्या निकालते हैं कि जो एरिया आता है इसमें साइकिल के अंडर, वो हमें क्या देता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं. क्लियर? तो उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस या एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस, और उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस. ये कहते हैं कि जो बैलेंस्ड एनर्जी दैट एंटर्ड इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज मूव इज कन्वर्टेड इन हीट एंड लॉस टू द सराउंडिंग, दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस. कि जो कुछ एनर्जी जो हमारे पास बच जाती है, कुछ को तो हमने क्या यूज कर लिया, बी और एच को इंक्रीज करने में, जैसे हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में, और कुछ जो एनर्जी बच जाती है जिससे कि मैग्नेटिक मटीरियल हमारा मैग्नेटाइज नहीं होता, उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस. क्लियर? कहते हैं कि जब हमने सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो जो डोमेन थे जिनकी वजह से क्या होगा, जब हमने फील्ड को हटा दिया तो कुछ हमारे पास एनर्जी बच जाती है, तो जो बैलेंस्ड एनर्जी होती है, द बैलेंस्ड एनर्जी रिटेन्ड इन द स्पेसिमेन. क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये आपके पास ये जीरो पे वापस, यहाँ पे एच तो जीरो है लेकिन आई और बी जीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी इसके पास है यहाँ पे. ठीक है, तो कहते हैं द बैलेंस्ड एनर्जी रिटेन्ड इन द सैंपल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट and lost to the surrounding lost to the surroundings this loss of energy is called hysteresis loss. क्लियर?